हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत हो। वेलकम है आप लोगों का शाकी जिंदगी में। तो मटर कीमे की रेसिपी आप लोग के साथ आज मैं पूरे शेयर करती हूँ, आप लोग लास्ट वीडियो तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी गुजारिश है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन एक क्लिक करना तो आप लोग को मेरी वीडियो से पहले पहुँचते। जो भी सब्सक्राइब नहीं करे देखते हैं वीडियो तो आप लोग से गुजारिश है आप लोग भी सब्सक्राइब जल्दी से कर देना प्लीज़। देखिए थोड़े मसाले ली मैं, प्याज मीडियम साइज़ के दो ली मैं, अदरक लहसुन पेस्ट 1 स्पून ली मैं और थोड़ा करेपा के थोड़े मसाले, धनिया पाउडर 1 स्पून है और ज़ीरा पाउडर 1 स्पून है और थोड़ा है ना ये नमक है, मिर्ची हल्दी टेस्ट के हिसाब से ली मैं और सौंफ पाउडर 1 स्पून ली मैं। तो देखिए ये थोड़ा है ना ऑयल में हीट कर ले को मैं है ना तेज़ पत्ता लौंग पत्ता इलायची और सभी डाली और फ्राई होने के बाद फिर से महीने ऑनियन से मीडियम साइज के दोले को बड़ी काटले को ऑयल में फ्राई करने डाली में। वो अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हुई है तक है, उसे अच्छा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, वो स्मेल गए तक है, कच्ची बास है गए तक है वो। देखिए मसाले लीम से पूरे कप में डाल ली मैं, डाल लेने के बाद थोड़ा पानी ऐड करके उसे लिक्विड के ना दे मैं तैयार कर ली मैं। तो आधा किलो खैमा अच्छा वॉश करने का आप लोग को प्रोसीजर दिखाई मैं, वो खैमा है नहीं ले ले को उसे अच्छी तरह से है ना ऑनियन में ऑयल में अच्छा फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद उसका पानी से चिपकता सो बाद में हमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा 5 मिनट तक है नीचे ऊपर करके फ्राई अच्छी तरह से नीचे ऊपर हलाने के बाद मटर रहते ना हरे मटर है वो भीगने रखने के बाद वो निकाल को इसमें ऐड कर डालना, ऐड कर डाले तो इसे है ना इसमें पानी छूटता इसे नीचे ऊपर हला को फिर से ढाप कर रख डालना। तो मैं ये मसाले जब तक रेडी कर लेती हूँ मसाला बना लेती हूँ। काजू 10 लीम, बादाम 10 है और घसघस 2 स्पून और हाफ डली प्याज है और 2 सूखे मिर्चियाँ, तो कच्चे मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं या तो सूखे मिर्चियाँ डाल सकते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा जीरा मसाला रेडी हुई है तक है, इसमें है ना हमें नीचे ऊपर करके फ्राई करना। फ्राई करने के बाद वो कप में मिला ना लिक्विड है वो मसाले का वो है ना फिर निकाल को इसमें ऐड कर डालना है। ऐड करने के बाद थोड़ा करे पाक डालना, उसमें डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करना। तो देखिए इस तरह से लगता है तब है ना उसमें अच्छी फ्राई होने के बाद है ना हाफ ग्लास पानी डाल को उसमें सॉफ्ट होने के लिए पानी डालने का फिर उसमें ऐड करना मसाला पीसेस हो अच्छी तरह से उसे ऐड करने के बाद फिर ऑयल में फ्राई करना अच्छी तरह से उसे। वो फ्राई करने में खुशबू अच्छी रहती करे पाक वो मसाले पूरे डाले सो। तो देखिए इस तरह से थोड़ी मिर्ची कम पड़ी तो मैं ऐड करती हूँ। तो देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर उसमें ऐड करना मिल्क। तो आप लोग हाफ कप मिल्क ऐड करें तो आप लोग को अच्छी तरह से इसका टेक्सचर अच्छा रहता। तो मैं अब मिल्क ऐड करने के बाद उसमें आटा सो मलाई भी आप लोग ऐड करना, उसका टेक्सचर डबल टेक्सचर देता। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद 5 मिनट्स के लिए मैं लो फ्लेम में छोड़ दूँगी। आप इसे पकने के बाद 5 मिनट्स के बाद टमाटा सॉस 1 टीस्पून ऐड करती हूँ इसमें और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से पकने के बाद मैं गार्निश करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं आप लोग के साथ बाद में प्लेटिंग करते वक्त दिखाऊँगी। देखिए हमारा मटर कीमा के रेसिपी किस तरह से है आप लोग के साथ है फर्स्ट से लास्ट तक मैं आप लोग के साथ शेयर करी। आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़ फ्रेंड्स।